दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स में चैनल्स बुके कैसे ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड चैनल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंगल पेड चैनल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में केवल हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एक से अधिक चैनल का जो ग्रुप होता है यानी जो बुके होता है अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स का, तो उसको अगर आप ऐड करना चाहते हैं दोस्तों तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स में। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि अगर हम बुके ऐड करते हैं या फिर कोई सिंगल चैनल ऐड करते हैं तो क्या वैलिडिटी कम हो जाती है सेटअप बॉक्स की, और क्या जो 2 साल की वैलिडिटी है वो समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वैलिडिटी समाप्त नहीं होती, वैलिडिटी तो आपकी बेसिकली अगर 2 साल की है तो बनी रहेगी। आप पेड चैनल ऐड करें या फिर बुके ऐड करें वो प्रभावित नहीं होता है। साथ ही आपको ले चलेंगे दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ माई डिश टीवी ऐप के माध्यम से बुकेज ऐड करना बताएंगे और अलग अलग बुके भी दिखाएंगे जो डिश टीवी पे अवेलेबल हैं, आप उनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उनका कितना प्राइस डिडक्ट होगा आपके जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स वीसी नंबर अकाउंट बैलेंस से, ये भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स में बुक कैसे ऐड किया जाए तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बुके कैसे ऐड करते हैं ये भी सीख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको बताएंगे दोस्तों कि बुके यानी कलेक्शन ऑफ पेड चैनल्स या ग्रुप ऑफ चैनल्स आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं जिंग सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स में। दोस्तों करना क्या है आपको कि नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, होम, रिचार्ज, गाइड और एडिट पैक, आपको एडिट पैक पर टैप कर देना है। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ अवेलेबल बैलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा 89 रुपीज़ का और आपको स्विच ऑफ डेट इस सेटअप बॉक्स की दिखाई दे रही होगी 2 अप्रैल 2024 की। तो दोस्तों आप ये जान लें कि जब आप पेड चैनल्स ऐड करते हैं तो जो कमेंट्स आ रहे थे चैनल पर वो ये बताया जा रहा था कि पेड चैनल्स ऐड करते ही जो स्विच ऑफ डेट है वो कम हो जा रही है। तो दोस्तों ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल स्विच ऑफ डेट है अगर 2 अप्रैल 2024 ही मान लीजिए तो वो स्विच ऑफ डेट बनी रहती है। जैसे ही वो पेड चैनल्स डीएक्टिवेट होते हैं, आपने बंद कराते हैं, वापस से आपका सेटअप बॉक्स स्विच ऑफ डेट 2 अप्रैल 2024 शो करना शुरू कर देगा। चैनल ऐड करने के बाद दोस्तों बुके ऐड करने के बाद भी देखने की हम कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे स्विच ऑफ डेट इफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आपको बुके ऐड करना बता देते हैं, एडिट पैक पे आप कर दें टैप। जैसे ही एडिट पैक पे आप टैप करेंगे ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, योर एग्जिस्टिंग पैक डिटेल्स, इसको यहाँ से कर दीजिए बंद। उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जैसे डिश कॉम्बो, एड ऑन्स, चैनल्स, बुकेस, एफटीए पैक्स एंड चैनल्स और एक्टिव सर्विस। आपको इन सभी ऑप्शंस में से बुके पे टैप करना है क्योंकि आप ग्रुप ऑफ चैनल्स बुके ऐड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ हमने कर दिया बुके पे टैप। अब जैसे ही दोस्तों आप बुके पे टैप करते हैं आप देख सकते हैं यू कैन चूज़ मल्टीपल बुकेस, आपके च्वाइस के हिसाब का बुके अगर यहाँ है तो आप कोई भी ले सकते हैं। सपोज़ करें सबसे पहले आप देखें बुके 1 हैप्पी इंडिया, चैनल का नंबर बता रहा है 8, तो चैनल का नंबर 8 बता रहा है दोस्तों, इसका मतलब टोटल चैनल्स इसमें 8 देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बुके में वो कौन कौन से चैनल है, हो सकता है कि 8 चैनल्स आपको देखने के लिए मिले लेकिन वो चैनल आपको पसंद ही नहीं है, वो चैनल्स आप देखना ही नहीं चाहते हैं, तो यहाँ नीचे लिखा है व्यू डिटेल्स, इस पर आप कर दें टैप। तो ये पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो कौन कौन से चैनल हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी यहाँ पे देख लें आप, सब टीवी सोनी है, सोनी मराठी, सोनी पल, सोनी, सारे सोनी के चैनल्स हैं ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस दिया गया यहाँ पे 15 रुपये 25 पैसे में। अब इसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे बुके 10 हैप्पी इंडिया प्लेटिनम है, ये 31 रुपये इसका प्राइस है। उसके बाद देख लें बुके 11 हैप्पी इंडिया साउथ, बुके 12 हैप्पी इंडिया फुटबॉल, यानी कि 8.5 रुपये के भी चैनल्स हैं, 9.5 रुपये के भी बुकेज हैं, 15 रुपये के हैं,
₹14 के हैं तो अलग अलग। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ₹4.04 प्राइस है, केवल चैनल्स मिलेंगे आपको दो। तो अगर केवल यही लेना है आपको तो आप व्यू डिटेल्स पे जाएं। अब यहाँ देख ले, सोनी बीबीसी अर्थ और सोनी पिक्स, ये चैनल्स आपको ऐड हो जाएंगे जिंग सुपर एफटीए में। इसके अलावा भी देख ले दोस्तों, बुके 5 हैप्पी इंडिया, यहाँ लिख रहा है चैनल्स 10, अगर इसकी डिटेल हम लेने की कोशिश करें। अब यहाँ देखें आप, सब टीवी है, सोनी है, मतलब सोनी के सारे चैनल्स हैं, कुछ मूवी चैनल्स भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और चैनल की प्राइस कितनी है दोस्तों, ₹19.25। एक चैनल जहाँ आप दोस्तों ऐड करते थे ₹19 में, यहाँ पर आप देख लें कितने सारे चैनल्स आपको मिल रहे हैं बुके 5 हैप्पी इंडिया में, 10 चैनल मिल रहा है टोटल। और उसमें ऐसे चैनल्स भी हैं जिनकी प्राइस ₹19 है, आप देख लें ये पूरी लिस्ट है। अगर दोस्तों हम इसी को ऐड करते हैं मान लीजिए, तो करना क्या है हमको, व्यू डिटेल्स पर टाइप करना है और यहाँ टाइप कर देना, ये देखें बुके 5 हैप्पी इंडिया एडेड, चेंजेस विल बी कम एफेक्टिव ऑन चेकआउट। अब यहाँ एक्सपेंड करें दोस्तों, अब ये ₹19.25 टोटल चैनल प्राइस दिखा रहा है, जब प्रोसीड करेंगे तो इसमें लग जाएगा आपका NCF ₹60 का। यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो NCF कैलकुलेट हो रहा है वो NCF दोस्तों चैनल के ऊपर हो रहा है, हर एक चैनल पे कैलकुलेट हो रहा है, और फिर टोटल प्राइस जो हो रही है यानी कि चैनल प्राइस और यानी कि जो चैनल प्राइस और NCF मिला के कैलकुलेशन हो रहा है, फिर उसके बाद जो एक्चुअल चैनल की प्राइस आ रही है वो आ रही है ₹93.52। इसको नहीं लेना है दोस्तों, हम बंद कर देते हैं। कोई एक कम प्राइस का चैनल लेकर देख लेते हैं दोस्तों कि उसका प्राइस कितना लग रहा है। मान लीजिए ये है ₹4.04 का, इसको हमने ले लिया। अब इसके बाद इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसका प्राइस कितना आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों अवेलेबल NCF है ₹15, यानी कि दोस्तों इसमें जो चैनल्स हैं केवल दो हैं और दो चैनल्स का NCF आपको लग रहा है ₹15, और GST लग रहा है 18% का। अब ये मिला के दोस्तों ₹4.40 और ₹15 मिला के आपको टोटल प्राइस बन जा रहा है ये दो चैनल्स का ₹22.89। तो जो भी बुक है आप लेंगे दोस्तों उसका NCF कैलकुलेट अलग होगा, फिर NCF और जो टोटल चैनल प्राइस पे कैलकुलेट होगा उसका GST। अगर बुके 12 हैप्पी इंडिया की बात करें तो यहाँ देख लें इसका प्राइस, ये चार चैनल्स हैं इनका प्राइस दिया गया है, लेकिन इस पर NCF और GST मिला के प्राइस थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। आपको कोई एक चैनल दोस्तों ऐड करके भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कितना प्राइस लगेगा और उसके बाद वो चैनल्स एक्टिवेट होते हैं कि नहीं बुके में जिंग सुपर FTA सेटअप बॉक्स पे। अब लॉक इन वन डे है दोस्तों, और ये तेलुगु बजट प्लस है बुके, आप अपने च्वाइस का बुके ले सकते हैं दोस्तों। हमने लगभग सभी बुकेस दिखा दिए आपको, और भी नीचे है दोस्तों, नीचे तक स्क्रॉल करते जाइएगा आप, जो भी आपके पसंद के बुके होंगे उनको आप ऐड करा करके देख सकते हैं। यहाँ देख लें डिस्कवरी ST बुके है, ₹7 यहाँ प्राइस दिखा रहा है, और इसमें ये लगभग चार चैनल्स दिखाई दे रहे हैं। डिस्कवरी किड्स का है दोस्तों, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर डिस्नी हिंदी एंटरटेनमेंट बुके दिखा रहा है दोस्तों, जिसमें चार चैनल्स हैं। तो ये सभी बुकेस हमने दिखा दिए दोस्तों आपको, नीचे तक हैं, स्क्रॉल करते जाइएगा चैनल्स आपके सामने आते जाएंगे। यहाँ देखें दोस्तों इन्फोटेनमेंट और स्पोर्ट्स, पांच चैनल ₹7 प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे 9 चैनल्स है, कलर्स तेलुगु बजट है बुके का नाम, और यहाँ पे है कलर्स हिंदी फैमिली 23 चैनल्स हैं, यहाँ डिटेल देखेंगे आप तो ये सारे चैनल्स आपको देखने मिलेंगे। और ऊपर बात कर ले दोस्तों कुछ बुकेस जो दिए गए हैं, तो ये सभी बुके दोस्तों आपके लिए अवेलेबल हैं। और चलिए दोस्तों, ये बुके 17 हैप्पी इंडिया इंग्लिश अगर लेने की कोशिश करें हम, और ये देख लें प्राइस इसका, दो चैनल का प्राइस सोनी बीबीसी अर्थ और पिक्स का, केवल दो चैनल का प्राइस दिखा रहा था लगभग ₹20 के ऊपर, और बुके 11 हैप्पी इंडिया साउथ में चार चैनल्स है दोस्तों, ये फुटबॉल बुके इंडिया, इसमें चार चैनल्स हैं। ये सभी बुके हैं दोस्तों, और इसमें अभी हम ले लेते हैं
ये बुके 17 हैप्पी इंडिया, ₹4.04 प्राइस है इसकी। लेकिन अब यहाँ एक्सपेंड करने पर देखें टोटल प्राइस कितनी बन जा रही है दोस्तों, आप देख लें ₹22 अकाउंट से कट जाएंगे दोस्तों। अगर इसको हम एक्टिवेट कराते हैं दोस्तों तो ₹22 अकाउंट से कट जाएंगे और स्विच ऑफ डेट भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बुके ऐड करें तो आप देख लें एक चैनल की प्राइस भी हाई हो जा रही है जिंक सुपर एफटी सेटअप बॉक्स में, यहाँ तक कि बुके में केवल 2 चैनल लिए गए हैं, एक्चुअल चैनल की प्राइस केवल ₹4.40 है। लेकिन NCF जो दोस्तों पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि NCF जो लग रहा है दोस्तों वो काफ़ी हाई लग रहा है, इस वजह से चैनल्स के प्राइस बढ़ जा रहा है। क्योंकि जो बाकी सेटअप बॉक्सेज हैं दोस्तों उसमें तो मंथली NCF है ₹130 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम 160 है, लेकिन यहाँ पर चैनल वाइज NCF लग रहा है इसलिए दोस्तों चैनल का प्राइस बढ़ जा रहा है। चैनल का प्राइस तो केवल ₹4.40 है दोस्तों, अगर इस पर आप GST भी लगाएंगे तो ₹22 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जो NCF ₹15 लग जा रहा है दोस्तों, तो GST ₹15 और ₹4.40 पे कैलकुलेट हो रही है, यानी कि ₹19.40 पे GST कैलकुलेट हो रही है, तो ₹3.49 आ रहा है और वो सब मिला के दोस्तों केवल 2 चैनल की प्राइस हो जा रही है ₹22.89। दोस्तों ये डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाया था NCF के ऊपर और जिंक सुपर FTA बॉक्स में जो चैनल की प्राइस बढ़ जा रही है वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों जो बुके ऐड करने के लिए सवाल आपकी तरफ से पूछा गया था कि बुके कैसे ऐड करते हैं उसको बताया जाए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आप समझ जाएं कि कैसे हम जिंक सुपर FTA सेटअप बॉक्स में बुके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर केवल सबमिट पे ओके करेंगे दोस्तों तो आपके चैनल से एक्टिवेट हो जाएंगे और जो आपका अकाउंट बैलेंस है आपके VC नंबर पे शो हो रहा है वो ₹22.89 कम हो जाएगा और स्विच ऑफ डेट भी बदल जाएगा इस चैनल के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल स्विच ऑफ डेट आपका बना रहेगा 2 साल के लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर अपडेट हमारे चैनल का आपको मिलता रहे। आप सभी का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।